आप देख रहे हैं न्यूज एंड चैनल, आप सभी का इस्तकबाल है न्यूज एंड चैनल पर। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। मेरे को डीलिंग डॉक्यूमेंट दिखाओ प्रॉपर्टी के, आप लोगों का कुछ भी नहीं इतना हो सके, पर आप लोगों का कुछ भी नहीं है बोल रहा हूँ। और ये एग्रीमेंट एग्रीमेंट के और ये रेंटल के कोई मतलब नहीं बोले, कोई कंसर्न नहीं है। हम आपको लिंक डॉक्यूमेंट दिखाओ बोल रहा है, जो भी है ना लिंक डॉक्यूमेंट दिखाओ तुम्हारा ठीक के पास है बोल रहे निकल गए ना। नहीं अभी यही फोन पे बात कर रहे हैं, अभी तो कुछ भी नहीं है भाई। कड़ेल 2001 से मैं जमीन लेकर रखा हूँ, हमें मिर्जा जहांगीर बेग से लिया और फिर बीच में जो सईद अमोदी नाम से है शाहीन नगर में रहते, मैं उनको बीच में रख के उन मिर्जा जहांगीर बेग से लिए हूँ। ये टोटल पूरा 14 एकड़ का लिया हुआ है और अभी मेरे पास ये लिया मैं गौशाला के लिए, मेरे वालिद के नाम से देवकी नंदन रमेश चंद के नाम से गौशाला डालने की नीयत से लिया हुआ हूँ वहाँ से। और ये 2009 से पूरा इम्प्लीमेंट करा हुआ हूँ, 2009 से पूरा ले के रखा हूँ अभी हाथ में पूरा, और इसके डॉक्यूमेंट भी है मेरे पास पूरे, सब चीज़ क्लैरिटी है पूरा। गौशाला का भी स्टार्ट भी कर दिया हूँ यहाँ पर। अभी ये मुझे कोर्ट से भी मैं एक ऑर्डर ले चुका हूँ मेरी ज़मीन की, मेरे गौशाला के लिए, कि नॉट टू इंटरफेयर। ये कुछ 11-12 लोग हैं जो मुझे आके डरा रहे धमका रहे, गौशाला नहीं रखना यहाँ पर, ज़मीन से हट जाओ। इसके सब चीज़ के पूरे डॉक्यूमेंट है मेरे पास पूरा। अभी PS से भी मुझे प्रेशर दिया जा रहा है कि यहाँ से पूरा हटाने के लिए, ताकि मैं यहाँ से हट जाऊँ और ये वे लोग इनजीवियस काम यहाँ पर करने लगा है और हमारे पर दबाव बना रहे हैं। इसलिए मैं आपसे सबसे दरख्वास्त चाहता हूँ, मुश्ताक नाम का कोई आदमी है यहाँ पर जो कंप्लेन दिया हुआ है और उनके पास पूरे जाली डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है। हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट वैलिड है यहाँ पर, उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स निकाला, पूरे जाली डॉक्यूमेंट्स है और उनकी एक एक कॉपी भी है मेरे पास पूरे सब की। और अभी मुझे कोर्ट से पूरा ऑर्डर मिल चुका है मेरी 14 एकड़ जमीन के गौशाला के ताल्लुक से, यहाँ पर कोई भी अननूसेंस काम नहीं करेंगे और नॉन इंटरफेयर, किसी का भी इंटरफेयर नहीं होने का, उनके सबके नाम है मेरे पास के। और ये मैं ये सबमिट कर दिया हूँ आदि बटला PS में। और ये मिस्टर मुश्ताक ने इधर आदि बटला PS में मैनेज करके यहाँ पर पूरा दबाव दे के मेरे इधर की गायों भी हटा दिया यहाँ से, और मुझे दबाव करने लग रहे, बहुत प्रेशर करने लग रहे। मेंटली मैं अभी बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ इस जगह के लिए, क्योंकि इस काम के लिए मैंने पूरे 22 साल इंतज़ार किया है, 22 साल इंतज़ार किया मेरे पिता के नाम से चलने के लिए। ये किसी को भी नहीं बताया, मेरे फैमिली वालों को भी नहीं बताया, सब तरीके से काम करने लग रहा हूँ। अभी इधर मैं गौशाला का बहुत बड़ा काम करने लगा हूँ, इसको रुकावट कर रहे, मुझे तकलीफ है, तकलीफ दे रहे। मैं तेलंगाना गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चंद्रशेखर साहब से भी और अपने होम मिनिस्टर साहब से भी, ताकि इधर कोई न्यूसेंस ना हो। और ये हिंदू मुस्लिम का जो हिंदुस्तान में हैदराबाद में जो तहजीब है, प्रेम का जो सिंबल है, वो कायम रखे, इस चीज़ को एकदम करेक्ट वे में ले जाके पूरे हमें इसकी मदद करे, इस काम के लिए हमें मदद करे, पुलिस हमारी मदद करे, जो सही है सही चीज़ के लिए आगे बढ़िए, गलत चीज़ के लिए आगे मत बढ़िए।